आज वो आदमी जिसने दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करी, आज वो आदमी जो दिल्ली के बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बना, आज उनके माता पिता पर अत्याचार हो रहा है। इस घटिया हरकत का जवाब 25 मई को दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपने वोट से देना होगा। क्या प्रधानमंत्री अब इस स्तर पर गिर गए हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी के बीमार और बुजुर्ग माता पिता पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपने माता पिता के समान समझा है। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने श्रवण कुमार बनके दिल्ली के हजारों बुजुर्गों को देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ यात्रा करवाई है। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिनको दिल्ली के हर बुजुर्ग ने अपना आशीर्वाद दिया है, अपना बेटा माना है। आज वो आदमी जिसने दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करी, आज वो आदमी जो दिल्ली के बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बना, आज उनके माता पिता पर अत्याचार हो रहा है। मैं आज दिल्ली के सभी बुजुर्गों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो ये घटिया हरकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है, जो ये घटिया हरकत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दिल्ली पुलिस से करवाई है, इस घटिया हरकत का जवाब 25 मई को दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपने वोट से देना होगा। जो मुख्यमंत्री आपका बेटा बनकर, श्रवण कुमार बनकर आपकी सेवा कर रहा है, उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता पर अत्याचार का जवाब अपने वोट से देना होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूँ कि आप ये भूल रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के बुजुर्गों का बेटा है, वो दिल्ली के महिलाओं का भाई है, वो दिल्ली में के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पिता के समान है। और आपकी इस घटिया हरकत का जवाब दिल्ली के लोग अपने वोट से देंगे और 25 मई को भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट दिल्ली में नहीं मिलने वाली है। इंडिया अलायंस की सातों सीटें आएंगी। इन षड्यंत्रों का जवाब दिल्ली